नमस्ते दोस्तों, बीएस एग्रोफार्म के इस यूट्यूब चैनल में मैं विनोद कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, अभी रबी का टाइम है, रबी में हमने धान की नर्सरी डाले हैं दोस्तों, और ठंड ज़्यादा होने की वजह से इसमें पीलापन पड़ना चालू हो गया है। ये IR64 धान है दोस्तों जो हमने लगाया है, जिसकी नर्सरी हमने डाली है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आप ये नर्सरी में देख सकते हैं कि जो पौधे हैं जो दोस्तों ये पीले पड़ के सूख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इस टाइप से जड़ से पौधे पीले होके सूख रहे हैं दोस्तों। एक पौधा निकाल के भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये पौधे जो है वो एकदम पीले पड़ के सूख रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये फंगस के कारण आता है, जिसको हम बुरशी बोलते हैं। ठंडी में फंगस लगने का प्रॉब्लम ज़्यादा प्रमाण में होता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादातर नर्सरियों में रबी के सीजन में आता है। तो ऐसा प्रॉब्लम भी अगर आपके नर्सरी पे, जिसको कई जगह परा भी बोला जाता है या खार भी बोला जाता है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम अगर आपके नर्सरी पे है तो इसमें दोस्तों आप सॉइल एप्लीकेशन में आप सल्फ़र का उपयोग कर सकते हैं। आप सल्फ़र इसमें डाल सकते हैं, तो जिसमें सल्फ़र थोड़ा ज़मीन में हीट का भी काम करता है और फंगीसाइड का भी काम करता है और न्यूट्रिएंट का भी काम करता है। और आपको इसमें स्प्रे भी करना है दोस्तों। स्प्रे में आपको कोई भी अच्छा फंगीसाइड जैसे कार्बन डाइजिम मेंकोजेब या मेटालैक्सी या प्रोपिकोनाजोल, ऐसी दवाइयाँ लेनी है। और इसके साथ में एक एंटीबायोटिक हमें डालना है दोस्तों, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या वैलिडामाइसिन है या कासुकामाइसिन है। इसको मिला के हमें इसमें स्प्रे करना है। और इसकी ग्रोथ के लिए आप दोस्तों उसमें ही आप झिंक डाल सकते हैं या कोई भी जो मार्केट में टॉनिक आता है वो टॉनिक आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका नियंत्रण हमें टाइम पे कर लेना है दोस्तों, जिससे हमारी खार जो है या जो नर्सरी है वो बची रहेगी और हमारा होने वाला नुकसान जो है दोस्तों वो नुकसान भी नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।